अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। आजा 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 आजा, जल्दी आजा जल्दी आजा 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 आजा। कहो पर कहो। खुशबू और अवधेश से मैंने बात कर ली है, लगता है काम हो जाएगा। कार्यक्रम में आने पर मुझे पूरी उम्मीद है वो हंसनी की पोल खोल देंगे। हे भोलेनाथ, मैंने और कुछ पल में बाबू के सामने सारा सच आ जाएगा। ये तो कमाल हो गया। अब तक हैकर ने कुछ बताया नहीं। हमको तो आपकी बहुत चिंता हो रही है हंसिनी। अगर आपने ये सब कुछ किया है तो जाकर अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। झकने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है सब कुछ सच सच बता दो। ऑल ट्रुथ। मिस्टर डीएन ने भरोसा तो दिया ही है ना, माफ भी कर देंगे। और फिर करोड़ों की जमीन भी तो है, सब बता दो। हैकर का मैसेज है, ये वीडियो 712043 से आया है। 712043, ये किसका नंबर है? मिला के देख लेते ना। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। किसका नंबर है ये, मिल ही नहीं रहा। माफ करना हंसनी, पर अपने फायदे के लिए तुम्हारा भांडा फोड़ना ही होगा हमें। सॉरी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स।
ये तो रघुवेंद्र जी का मैसेज है, वॉइस मैसेज। आपसे कुछ बात करनी है हमें, मतलब कुछ बताना है आपको। प्रणाम रघुवेंद्र जी, चंदेल भवन से हम सिंधु बोल रहे हैं। इस वक्त यहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए हैं, सिर्फ बिगड़ ही नहीं शर्मनाक हो गए हैं। हमको आपको ये बातें विस्तार से बतानी है, पर हेलो हेलो हेलो, तो वो तुम थी जिसने रघुवेंद्र जी को वीडियो भेजा था? असंभव, मैं तो जानती भी नहीं रघुवेंद्र जी कौन है। अरे बंद करो झूठ बोलना। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। सिंधु कहीं नहीं जाएगी। हम उससे प्यार करते हैं, और आप कोई कुछ भी भेजेगा और आप यकीन कर लेंगे? यकीन कर लेंगे? अरे हमारी राजनीतिक छवि खराब कर रही है ये लड़की, घर का भेदी है ये। अरे दुश्मन है हमारे भविष्य का ये। पता नहीं कैसे आप राजनेता बन गए। किसने पहली बार आपको विधायक बनाया? जो ऐसे उलझुल फैसले लेता हो वो किसी भी सामाजिक राजनीतिक पद के लायक नहीं। ईश्वर करे कि आप अगला इलेक्शन हार जाए। सिंधु इस घर से नहीं जाएगी। ये घर हमारा है और फैसला भी हमारा ही होगा। सिंधु को घर छोड़ के जाना होगा। ये घर सिर्फ आपका नहीं, ये घर हमारा भी है, और इसलिए हम कह रहे हैं सिंधु इस घर से नहीं जाएगी। राजीव जी, इसको इस वक्त घर से मत निकालिए। अगर ये रघुवेंद्र जी को जानती है तो यहाँ से निकल के सीधा उनके पास जाएगी। आपकी रही सही प्रतिष्ठा भी खराब कर देगी ये जाहिल। अरे लेकिन ये इस घर की दुश्मन है, इसको जाना होगा यहाँ से। ये सरासर झूठ है, सारा इल्जाम सरासर झूठ है। तुम शायद सुन नहीं रहे हो, सिंधु इस घर में नहीं रहेगी, ये हमारा फैसला है। और आप कौन होते हैं ये फैसला लेने वाले? अरे खामोश, त्योहार का तो ख्याल करो कम से कम। ये इस घर में रहेगी या नहीं रहेगी इसका फैसला कल होगा। हाँ, अभी राजीव और संजीव के अलावा भी सब लोग सुन ले, इस वक्त शांति और सौहार्द के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। गिले शिकवे व्यक्त नहीं किए जाएंगे। कल दही हंडी प्रतियोगिता में यह फैसला होगा कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर में नहीं रहेगा। राजीव और संजीव में से जो हंडी को फोड़ने में सफल होगा वो इस घर में रहेगा, और जो असफल होगा वो इस घर में नहीं रहेगा।